दोस्तों क्या आप जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपका कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, चाहे वो आपका मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, एलईडी एलसीडी टीवी हो, माइक्रोवेव हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो जिससे उसे सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि वो खतरा क्या है और आप उससे किस तरीके से बच सकते हैं, तो आपको देखना होगा इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज, आप देख रहे हैं टेक्नो ब्रेक्स। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। एक तरफ तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सुपर कनेक्टिविटी के बारे में, जिसके थ्रू हम बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस के करंट को ट्रांसमिट कर सके पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। लेकिन हम सभी जानते हैं कि 100% कभी भी करंट या कोई भी सिग्नल पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ट्रांसफर नहीं होता, उसमें इंटरफेरेंस आ जाते हैं बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे गति अवरोधक आ जाते हैं जिस वजह से वो करंट बराबर नहीं जा पाता। अगर बात करें कि वो सबसे बड़ा दुश्मन आखिर है कौन, तो वो है डस्ट। डस्ट एक ऐसा पार्टिकल है यानी कि धूल। धूल की वजह से आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में, आपके टीवी में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, जो कि मदरबोर्ड होता है उसका, ये जो चिप होती है उसमें जो लाइन होती है ग्रीन कलर की, जिसके थ्रू वो सिग्नल या करंट पास हो रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ या कहीं से कहीं भी, तो वो इजीली हो नहीं पाता। ऐसे में क्या होता है, आपको आपके डिवाइस से बेटर परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती। अगर बात करें एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बारे में, जिसे हो सकता है आपने भी कई बार लाइफ में देखा हो या एक्सपीरियंस करा हो, तो वह है हमारा सीपीयू। हमारे घर पे जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें सीपीयू इतना बड़ा होता है, और उसमें पीछे से जो ओपन वेंट्स होते हैं जिससे फ्रेश एयर सीपीयू के अंदर आ सके, उसी फ्रेश वेंट से या उसी होल्स से डस्ट भी सीपीयू के अंदर एंटर कर जाती है। ऐसा होने की वजह से क्या होता है कि सीपीयू मदरबोर्ड के ऊपर जो भी ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जो भी डायोड्स होते हैं, या जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक छोटे 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 ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिससे करंट या सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, तो उनके बीच में कनेक्टिविटी के लिए जो चिप पे डिजाइंड होती है बसेस, जिसको बोलते हैं टेक्निकली, ऑब्स्ट्रेक्ट हो जाती हैं या उनको अफेक्ट होता है उस डस्ट की वजह से, क्योंकि वो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं या इतने छोटे साइज में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को डिज़ाइन करा जाता है कि धूल का एक छोटा सा पार्ट भी उनके लिए पहाड़ की तरह इम्पैक्ट करता है, और उस वजह से उनके सिग्नल्स या जो भी उनके करंट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते दो पॉइंट्स के बीच में। तो ऐसे में होता यह है कि आपको अपने डिवाइस से बेहतर परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती। तो आपने देखा होगा कई बार होता ये है कि आपका सीपीयू घर में ऐसे करके बहुत ज़्यादा ऑपरेट करने लग जाता है, वो जो नॉइस है जो आपकी सीपीयू फैन से जनरेट हो रही है क्यों हो रही है, वो इसका कारण ये है कि जब आपके दो पॉइंट्स के बीच में प्रॉपर कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश हो पा रहा, तो ऐसे में आपके सीपीयू जो कि एक्चुअल ब्रेन होता है सिस्टम का, जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो जो प्रोसेसर लगा होता है, वो ज़्यादा हो जाता है हीट, तो उसे कूल करने के लिए वो फैन बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगता है। तो अगर आप अपने सिस्टम को, लैपटॉप को 2 या 3 महीने में एक बार ओपन करवा लेते हैं सर्विस सेंटर पे या घर पे भी कर सकते हैं, और ऐसे में अगर आप उसको वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर देते हैं, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और आप इसका बेनिफिट इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आपके सिस्टम को स्टार्ट होने में कम टाइम लगेगा, और साथ ही आपके सिस्टम में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साउंड आता है, चाहे वो आपका लैपटॉप हो या आपका डेस्कटॉप हो, तो वो साउंड उसमें से बंद हो जाएगा और आपको अपने सिस्टम की बेहतर परफॉर्मेंस मिल पाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ तक कि अगर बात करें हम उन साइंटिस्ट के बारे में जो इसे डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पे तो क्लास 10, क्लास 12, क्लास 14 की मेजर्स भी इम्प्लीमेंट करे जाते हैं। सेफ्टी मेजर्स का मतलब ये है कि 2 या 3 या 4 बार उन साइंटिस्ट की स्कैनिंग्स होती हैं, इसके बाद उन्हें एक स्पेशल सूट पहनाया जाता है जिसको पहनकर वो लेबोरेटरी में एंटर करते हैं, जहाँ पे ये चिप लेवल की डिजाइनिंग होती है या चिप लेवल मैन्युफैक्चरिंग की जाती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की। तो इतना ज़्यादा ध्यान रखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए, जिससे बनाते वक्त तो उसमें डस्ट ना ही आए। साथ ही अगर हम बात करें हमारे पर्सनल यूज़ के बारे में, तो हमें बनाने से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम जब उसे यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इंडिया में हैं तो इतनी ज़्यादा डस्ट हर जगह अवेलेबल होती है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लगातार इम्पैक्ट करती जाती है और उससे आपकी परफॉर्मेंस ख़राब होती जाती है उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जिनका आप इन्हें यूज़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को महीने में दो या तीन महीने में एक बार तो एटलीस्ट क्लीन कर लीजिए, जिससे आपको उसकी अच्छी परफॉर्मेंस मिल पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और टेक्निकल वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए टेक्नो ब्रेक्स के साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।
दोस्तों सारे वीडियोस बनाने के पीछे सिर्फ यही इंटेंशन होता है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रह सकें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला या आपकी इस वीडियो से हेल्प हो गई तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। साथ ही अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उनका भी टेक्निकल नॉलेज आप अपडेट कर सकें। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आप जुड़े रहिए टेक्नो ब्रेक्स के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या ये जानकारी आपके लिए सचमुच यूजफुल रही, ये सब बताने के लिए आप कमेंट्स का जरूर इस्तेमाल करें। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहने के लिए और टेक्नो ब्रेक्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।